गुलबर्गा शहर को प्लास्टिक से पाक को साफ बनाने के लिए रियासत कर्नाटक गुलबर्गा सिटी कॉरपोरेशन और यूनाइटेड सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर विक्रम सीता रेड्डी साहब के जानिब से स्कूल कॉलेज के तलबा और दिगर समाजी तंजीमों की जिम्मेदारों को जोड़कर शहर के मुख्तलिफ चौराहों पर फेंके गए प्लास्टिक कवर्स को जमा करने का मुकाबला मुनक़द किया गया, जिसमें एक ही दिन में 8 टन प्लास्टिक जमा किया गया। इस दौरान शहर के मुख्तलिफ जगहों पर फेंके गए प्लास्टिक के कवर्स को जमा कर लाने वालों को इनाम से नवाजा गया। सबको नमस्कार। हमारे कलबुर्गी शहर में आज बहुत ही उत्साह से हमने प्लॉगेथन ड्राइव को सेलिब्रेट किया है। इसमें हम लोगों ने 25 लोगों का एक टीम ऐसा बना के सारे शहर में अलग अलग वार्ड्स में खास करके हमारे बच्चे यूथ है उनको अलग अलग जगह पे भेज के हमने ड्राई वेस्ट कलेक्ट किया है। इसमें मेनली प्लास्टिक वेस्ट, सिंगल यूज प्लास्टिक जो बैन हुआ है तो उसमें भी बहुत सारा कलेक्शन हमने लगभग 8 टन तक कलेक्ट करके अभी बच्चों ने लाए। तो इसमें हम लोगों ने कंपटीशन करा के 3 अलग अलग प्राइस अभी उनको देंगे। अभी तो सब लोग बहुत ही अच्छे तरीके से ये पूरा प्लॉगेथन ड्राइव सक्सेसफुल करने में सभी लोगों ने हमारा साथ दिया है। गुलबर्गा के केंद्र स्थान पर आज हमारे कॉरपोरेशन वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कितना भी तारीफ करो तो कम है। आई एम रियली ग्रेटफुल टू देम। आज एनजीओ को, ऑफिस को, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, सबको कॉम्पिटिशन लगाकर हमारे केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का अंडर कल्याण कर्नाटक अमृत महोत्सव और स्वच्छ अमृत महोत्सव सेंट्रल गवर्नमेंट का आज सिर्फ पेपर में नहीं जमीन पर एक स्कीम इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल बसीर, कंसल्टेंट ट्रामा लैप्रोस्कोपिक सर्जन, यूनाइटेड हॉस्पिटल। मैं कमिश्नर सर का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने यूनाइटेड हॉस्पिटल को इस काबिल समझा कि हम लोग उनके कोलैबोरेशन में इतना बड़ा प्रोग्राम सेटअप कर सके। एंड आई रियली प्राउड टू से दिस वर्ड कि कमिश्नर सर ने जो इनिशिएटिव किया है कि ये प्रमोट करने के लिए कि एवरी पार्टिसिपेंट फ्रॉम छोटे बच्चों से लेके एडर्ली पीपल सारे लोगों को इन्वॉल्व किया है उन्होंने। इट्स नॉट वेरी इजी जॉब टू इन्वॉल्व एवरीवन। गुलबर्गा शहर को ग्रीन सिटी बनाने 400 पौधे यूनाइटेड हॉस्पिटल की जानिब से डोनेट करने का ऐलान करते हुए गुलबर्गा शहर को प्लास्टिक से पाक को साफ बनाने के लिए स्कूल, कॉलेज और दिगर समाजी तंजीमों को जुड़कर जिम्मेदारी मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए गुजारिश की गई। ईटीवी भारत के लिए गुलबर्गा से अब्दुल रशीद हक्की की रिपोर्ट।